मैं सिराज बात कर रही हूँ। आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि पोटैटो की जो छिलका है वो कैसे आसानी से आलू का छिलका उतारेंगे, क्योंकि हमें बहुत देर लगती है इसका छिलका उतारने में। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ इसकी टिप्स के कैसे इसके उतारेंगे, लिए ठीक है? मैंने पोटैटो को वॉश कर लिया है पहले से, ठीक है। अभी इसको पोटैटो को हाफ हाफ कट करेंगे, लेकिन पोटैटो को नहीं करेंगे, जस्ट इसके छिलके को करेंगे हल्का हल्का सा। मेक श्योर करना छुरी जो है वो तेज़ होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ से आपको एंड करना है, ठीक है। ये देखें, सही पूरे में कट डाल दिया। इसको देगची में डाल के जाएंगे बॉयल करने के लिए। अभी इसको बॉयल करने के लिए रखेंगे पोटैटो को। हो गई, मैंने चूल्हा बंद किया। अभी इसका पानी गिरा देंगे इसे। इसके ऊपर ठंडा पानी खोलेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं, क्योंकि गर्म को खोलेंगे तो हाथ जल जाएंगे। तो थोड़ी देर ठंडा पानी खोल के 1 मिनट के लिए, फिर इसको 1-2 मिनट रखेंगे, ठंडे हो जाएंगे ना। तो फिर मैं आपको शो करूँगी कि कैसे आसानी से ये पील हो जाते हैं, छिलके इसके आसानी से उतर जाएंगे फटाफट। इसको 1-2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ठंडी हो जाए, फिर पील करेंगे, फिर छिलके उतारेंगे। अभी ये देखें ठंडे हो गए, अभी इसको पील करेंगे। मैं आपको शो करूंगी, देखो कितनी आसानी से ये खुल जाते हैं, बिल्कुल आसानी से। देखें आपको अभी से ये इसकी पील अलग हो गई है, तो इतनी आसानी से ये खुल जाते हैं सब, सही है ना। तो यहाँ से होल करेंगे, और जहाँ से कट है ना उसको खींचेंगे तो इजीली निकल जाएगी। ये देखें कितनी आसानी से निकल रही है, देखा। ये देखें फटाफट ये निकल आती है, वरना हम लोगों को बहुत देर लगती है ना इसको पील करने में। ये देखें कितनी आसानी से निकल रही है, देखा देखा। ये छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ना, उसकी वजह से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो टाइम भी बचता है, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, आसानी से हमारा काम हो रहा होता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सब वीडियोस आपको मिलती रहे।